दोस्तों, मैं सनातन संस्कृति ना आदि ना अंत से चैनल से अमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं आज आपको रामायण में रावण की अमरता की कहानी बताऊंगा। आपने रामायण में यह भी सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान था। रावण की नाभि में अमृत प्रत्यारोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। उसे मारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर के अंदर रूनी भाग में चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। इस बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि मैं महाराजा रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। इससे उसके माता पिता ने हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मंदोदरी की माँ के पास यह शक्ति थी। उसके बाद में मंदोदरी की माँ ने सारी शक्ति मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की माँ ने मंदोदरी से शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव और वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया था, वो भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग में उड़कर भी आता है तो इसके नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लार्वा निकलता रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यह मौका अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके दो दिन बाद ही पूर्णिमा थी, इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने की इच्छा अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर ये अमृत कलश चुरा कर भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई
और उसने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की में अमृत कलश को छोड़ दिया तथा उसमें से अमृत की कुछ बूंदें को अपनी अंगूठी में भर कर के उसके ऊपर ग्रहक नग लगा दिया और अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत लेकर धरती लोक पर पहुंच गई थी। उसके बाद उसने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वह एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने इसका विरोध किया, मगर मंदोदरी के बहुत समझाने के बाद वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में अमृत स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर के मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियां पिलाकर के रावण को बेहोश या अचेत कह लीजिए किया। रावण के अचेत मतलब बेहोश होने के बाद कमल नाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का सिर भी कट जाता है तो भी वह जिंदा रहेगा। मेडिकल लाइन में नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है उसको वैस्कुलर सर्जन बोलते हैं। पूरे विश्व में विभीषण उस समय का एकमात्र वैस्कुलर सर्जन था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया। अमृत रावण की नाभि में स्थापित क्यों किया? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी वो पर्याप्त नहीं थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है, इसलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो ये हमारे शरीर के हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसलिए विभीषण ने नाभि को ही कुछ चुना, इससे रावण अमर हो गया। ये एक छोटी सी कहानी थी रावण के अमृत तत्व की। मैं आपका दोस्त अमित श्रीवास्तव, जय श्री राम। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम सम शनिश्चराय नमः।